आज के वीडियो में एक नई रोम इंस्टॉल करेंगे अपने पोको के M2 प्रो में। और गाइस इस रोम का नाम देखने को मिलता है एरो ओएस 11.0। गाइस ये एक ऑफिशियल बिल्ड है एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड। और गाइस इसका आपको बिल्ड डेट देखने को मिलेगा 31 मार्च का। तो गाइस इंस्टॉल करेंगे अपने डिवाइस में, जानेंगे क्या कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और गाइस गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छी रोम देखने को मिल जाती है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि एरो ओएस में गेमिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल, तो चेक करेंगे इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल, आप देख रहे हैं कस्टम टेक चैनल। चलिए फ्लैश करते। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मेरा डिवाइस बूट हो चुका है PRB के लेटेस्ट रिकवरी में। आप चाहिए तो ऑरेंज फॉक्स की लेटेस्ट रिकवरी भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले वाइप में जाना है, एडवांस में यहाँ पे डेटा कैच डेल्विक कैच इसे आपको वाइप कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाइप हो रहा है। इसे वाइप होने के बाद आपको यहाँ पे फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, उसे आप कॉपी कर लीजिए अपने इंटरनल स्टोरेज में या माइक्रो एसडी कार्ड में। यहाँ पे गाइस मैं आप देख सकते हो ये मेरा रोम की फाइल देखने को मिल जाए। और इस रोम को फ्लैश करने के लिए आपको कोई भी फ्रेमवेयर फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही फाइल मैं अपने डिवाइस में सिलेक्ट कर रखा और इसे मैं कर दूंगा इंस्टॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। इंस्टॉलेशन में 3 से 4 मिनट लगेंगे, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। तो गाइस यहाँ पे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है फ्लैशिंग के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल हो रहा है मेरे डिवाइस में। तो मिलता है उस हिसाब से बूट होने के बाद। आप देख सकते हो गाइस हमारा डिवाइस बूट हो चुका है। यहाँ पे सेटिंग पे दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे एरो ओएस वर्जन देखने को मिलेगा 11.0। ये एक ऑफिशियल बिल्ड है। नीचे आप देख सकते हो आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा 5 मार्च का। नीचे की तरफ में आप देख सकते हो आपको 4.14.227 इथेरियस कर्नल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। रोम काफ़ी ऑप्टिमाइज है, कोई भी बग मुझे अभी तक इस रोम में देखने को नहीं मिला। यहाँ पे थोड़े बहुत माइनर बग्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कैसे सिक्योरिटी फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और ऐप लॉकर तीनों का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, लेकिन गाइस आपको फिंगरप्रिंट में एक माइनर बग देखने को मिल जाएगा। कभी कभी आपको यहाँ पे 2 टैप डिटेक्शन देखने को मिल जाता है। अभी गाइस यहाँ पे 1 टैप डिटेक्ट वर्क कर रहा है, बट गाइस अगर आप ज़्यादा टाइम तक अपने डिवाइस को आइडल छोड़ते हो तो उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट 2 टैप में डिटेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फेस अनलॉक काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। फेस अनलॉक में मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। यहाँ पे आप मुझे लो लाइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिला है, बट गाइस यहाँ पे अगर अच्छे लाइटिंग में तो आपको यहाँ ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। ऐप लॉकर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप लॉकर आप इस यहाँ से एनेबल कर सकते हो। और गाइस ऐप लॉकर में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों का ही सपोर्ट देखने को मिल जाए। यहाँ पे गाइस मैंने अपना ANX कैमरे को लॉक किया और गाइस यहाँ पे मैं अगर फिंगरप्रिंट रखता हूँ तो ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से डिटेक्शन देखने। फेस अनलॉक का भी यूज़ कर सकते हो आप ऐप लॉकर में, और दोनों भी काफ़ी अच्छे से वर्किंग देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ में आप देख सकते हो आपको जाइमी पार्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हो MI साउंड एनहांसर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आपके ईयरफोन्स पे वर्क करता है, बाकी आपके जो स्पीकर है उस पर वर्क नहीं करता है। नीचे आप देख सकते हो आपको टच बूस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसे आप एनेबल कर लीजिए अगर आप गेमिंग करते हैं। यहाँ पे GPU बूस्ट को मैंने हाई पे रखा है, आपको डिफॉल्ट यहाँ पे डिसेबल देखने को मिल जाए। मैंने हाई पे इसके लिए रखा है, मैंने गेमिंग करता हूँ इसके लिए। नीचे आप देख सकते हो आपको डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन देखने को मिल जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ देखने को मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छे है, आप इसमें चेंजेस मत कीजिए। नीचे की तरफ में FPS इन्फो ओवरले का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे आप देख सकते हो क्लियर स्पीकर और गाइस एक्स्ट्रा माउंट्स थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ में देख सकते हो आपको गेस्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम नेविगेशन में आपको तीनों ही गेस्चर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। गेस्चर नेविगेशन में आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग का टैब भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हो आपको हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। और गाइस एडवांस ऑप्शन में ज़्यादा कुछ एडवांस सेटिंग आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसे आप एनेबल कर दोगे तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट वगैरह कैप्चर कर सकते हो 3 फिंगर की मदद से। और गाइस यहाँ पे पार्शियल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। ऊपर की तरफ में देख सकते हो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। डिस्प्ले के सेटिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डार्क थीम एनेबल डिसेबल कर सकते हो, और गाइस ये काफ़ी अच्छे से वर्किंग देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ में आपको नाइट लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसे आप शेड्यूल भी कर सकते हो और डायरेक्टली एनेबल भी कर सकते हो। नीचे आपको स्टाइल्स एंड वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और गाइस यहाँ पे आपको डिफॉल्ट स्टाइल एक ही देखने को मिल जाता है, वॉलपेपर भी ऑन डिवाइस वॉलपेपर एक ही देखने को मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे आपको ग्रिड साइज में कई सारे ग्रिड साइज देखने को मिल जाते हैं। वॉच फेसेस भी यहाँ पे आपको 7 देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छे से वर्किंग देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलवेज टाइम एंड इन्फो एनेबल कर सकते हो, और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफ़ी अच्छे से वर्किंग देखने को मिल जाता है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता।
नीचे की तरफ में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेंसिटी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज और स्मॉलेस्ट विड्थ वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो आपको कस्टमाइजेशन का एक टैब देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको वेदर और स्टेटस बार आइकन को यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी आपके ट्रैफिक इंडिकेटर से ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन का कोई भी टैब देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे एक बटन्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन यहाँ से एनेबल कर सकते हो, और यहाँ पे वॉल्यूम वेक और प्लेबैक कंट्रोल वगैरह यहाँ से आप एनेबल डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे अगर इस कैमरे की बात करूँ तो इस रॉम में आपको यहाँ पे ANX कैमरा प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे आप मुझे अभी तक यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों ही लेंस काफ़ी अच्छे से वर्किंग देखने को मिल जाता है, और गाइस यहाँ पे आपको जूम इन जूम आउट भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे वीडियो मोड देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4K 30 FPS तक वीडियो मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस मोर ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 48 MP मोड देखने को मिल जाएगा, स्लो मोड, पैनारोमा मोड, ये सभी देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, इसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं। पे ANX स्कैनर भी आपको इस रॉम में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्किंग देखने को मिलता है, जो कि ANX के तरफ में आपको इस रॉम में प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस सेफ्टी नेट फीचर मैंने टेस्ट करके रखा है, आपको लाइव टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको पास देखने को मिल जाता है। यहाँ पे प्ले स्टोर में आपको दिखा देता हूँ डिवाइस सर्टिफाइड देखने को मिलता है कि नहीं, तो नीचे आप देख सकते हो आपको डिवाइस सर्टिफाइड देखने को, इसका मतलब नेटफ्लिक्स काफ़ी अच्छे से रनिंग देखने को मिल जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हो। और गाइस यहाँ पे आपको बैंकिंग ऐप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। डेली ड्राइवर के लिए काफ़ी अच्छी रॉम देखने को मिल जाती है। यहाँ पे DRM इन्फो में आपको L3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे सपोर्टेड रिफ्रेश रेट 60Hz का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस बेंचमार्क टेस्ट मैंने दोनों ही एप्लीकेशन में कर रखा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले AnTuTu बेंचमार्क में दिखा देता हूँ उसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको स्कोर देखने को मिलता है 2,78,000 का, जो कि टॉप एंड परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। गेमिंग परफॉर्मेंस आपको टेस्ट करके दिखा दूंगा। यहाँ पे गाइस गीक बेंचमार्क 5 में भी मैंने टेस्ट कर रखा, और इसमें भी मुझे काफ़ी टॉप एंड परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कई सारे रॉम्स मैंने ट्राई किया और सभी के स्कोर्स मैंने देख रखे। यहाँ पे गाइस सिंगल कोर में आपको नॉर्मल स्कोर देखने को मिलेगा, बट गाइस यहाँ पे मल्टी कोर में आपको 1598 का स्कोर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बूस्टेड परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। यहाँ पे गाइस अगर मैं रिसेंट स्क्रीन की बात करूँ तो रिसेंट स्क्रीन काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, इसमें मुझे कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता। ऑफिशियल बिल्ड में काफ़ी चीज़ें फिक्स कर दी गई है लास्ट बिल्ड की तरह, यहाँ पे कोई भी बग वगैरह रिसेंट स्क्रीन में देखने को नहीं मिलता। नीचे की तरफ में आप देख सकते हो आपको स्क्रीनशॉट और क्लियर ऑल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, आप अगर एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे स्वाइप करके एक्सेस कर सकते हो। और गाइस ऊपर के तरफ में आप देख सकते हो आपको फुल एक्सेस में यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल का स्लाइडर देखने को मिल जाता है। लेफ्ट स्वाइप में आप देख सकते हो आपको और भी टॉगल्स बटन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको पेन का आइकन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन पैनल में भी कोई बग देखने को नहीं मिलता, सभी टॉगल बटन काफ़ी अच्छे से वर्किंग देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको वाईफाई और ब्लूटूथ हॉटस्पॉट इसमें भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं। यहाँ पे गाइस आपको डिफॉल्ट लॉन्चर AeroOS लॉन्चर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, इसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक देखने को नहीं मिला। और रॉम का ऑप्टिमाइजेशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगा, 14 to 15 hours का यहाँ पे बैकअप देखने को मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और गाइस नीचे की तरफ में आप यहाँ पे देख सकते हो आपको थर्मल प्रोफाइल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप एनेबल करके यहाँ पे आप अपना गेम्स वगैरह खेलते हो तो उसके लिए थर्मल प्रोफाइल सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं पबजी के लिए गेमिंग मोड सिलेक्ट कर देता हूँ, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये थर्मल प्रोफाइल एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे आपको पबजी में गेम प्ले करके दिखाता हूँ पबजी में क्या कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस हमारा पबजी गेम लोड हुआ है। यहाँ पे सेटिंग में दिखाते हो तो मैंने कॉन्फिग की फाइल डाल रखी है, और कॉन्फिग की फाइल काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। यहाँ पे गाइस मैंने कॉन्फिग की फाइल आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस स्मूथ विद एक्सट्रीम सेटिंग से यहाँ पे गेम प्ले करेंगे, जानेंगे क्या कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ में आप देख सकते हो आपको लाइव FPS काउंटर भी देखने को मिल जाता है। Say goodbye, refuse to question why I'm too sad to say I'm sorry, so lie and pretend that you're okay, swear that you will stay, keep trying for one day.
ओवरऑल गाइस गेमिंग के लिए काफी बेस्ट रॉम देखने को मिल जाता है, एज ए डेली ड्राइवर भी काफी अच्छी रॉम मिल जाती है, बेस्ट रॉम देखने को मिल जाता है आपको सभी सेगमेंट्स में। यहाँ पे गेमिंग के लिए भी अच्छी रॉम देखने को मिल जाता है, डेली ड्राइवर के लिए भी। और गाइस यहाँ पे सेफ्टी नेट फीचर भी यहाँ पे पास देखने को मिल जाता है, इसका मतलब गाइस आप डेली ड्राइवर में आप बैंकिंग एप्लीकेशंस वगैरह सभी कुछ यूज कर सकते हो। यहाँ पे बैटरी बैकअप भी काफी अच्छी देखने। तो गाइस अगर आप डेली ड्राइवर के लिए कोई रॉम सर्च कर रहे हो गेमिंग के लिए भी, तो आप इस रॉम पे जा सकते हो। मैं इसे 100% रिकमेंड करूंगा, आप इसे यूज कीजिए। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे हम नए वीडियो में नए रॉम के साथ।